Hey guys, welcome back to another useful video on my channel. This is Anukriti here. So guys, क्या आप लोगों को पता है कि why we women keep searching for the best female grooming tips? And guys, nurturing your skin, hair and body each day with the right diet, enough sleep and good skin and makeup essentials develop a shine that generates the inner glow. And each and every one of you are special, and adoring or pampering yourself is something you must cherish. And this is something which is not just about girls, this includes boys too. They too need self-grooming and self-care. So in today's video, I'm gonna share my personal favorite grooming tips with you all to maintain personal hygiene and help to look attractive, presentable and fresh all day. My first grooming tip is for skincare. अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड और फ्रेश रखने के लिए ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. इससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी और आप लोगों को स्कार्स और रिंकल्स भी कम होंगे. ऑल्सो आप लोगों की स्किन अंदर से ग्लो करेगी. नेक्स्ट इज एक्सफोलिएट योर स्किन वंस इन अ वीक फॉर फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन. मैं यहाँ पे शुगर, कोकोनट ऑयल एंड हनी स्क्रब यूज कर रही हूँ. एंड गाइस, एक्सफोलिएट करने से आपके क्लॉग्ड पोर्स डीपली क्लेंज हो जाते हैं. वो आपकी डेड स्किन को भी हटाता है. ये आपके स्किन के प्रोडक्ट को आपकी स्किन में डीपर पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करता है. इट बूस्ट सर्कुलेशन एंड गिव्स यू इवन स्किन टोन एंड गिव्स यू फ्रेश ग्लोइंग स्किन. Next is use a face mask once in a week, and I'm using Multani Mitti, tomato, curd and honey clay mask. इस समर टाइम में सबसे अच्छा जो फेस मास्क है वो है क्ले मास्क. उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए. वो हमारे पोर्स को अनक्लॉग करता है, एक्सेस सीबम और ऑयल प्रोडक्शन को भी एब्जॉर्ब करता है. दे ऑल्सो हेल्प्स विथ एक्ने एंड आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और फॉर्मनेस को भी इम्प्रूव करता है. क्योंकि ये समर टाइम चल रहा है, सो दिस क्ले मास्क विल ऑल्सो सूद एंड काम योर स्किन, गिविंग योर skin a cooling effect. Moving on to the next tip, always follow a good skincare regime daily for fresh, glowing and younger looking skin. And guys, my skin gets super dull and tan easily during summer. So guys, अगर आप लोग भी ये same skin care issues face कर रहे हैं, जैसे कि dark spots, hyper pigmentation, and अगर आपकी भी skin sun tan हो जाती है, start using products containing vitamin C. Vitamin C एक बहुत ही अच्छा ingredient है to help battle against dullness, hyper pigmentation and sun tan, giving the health and natural glow back to your skin. So guys, ऐसा एक प्रोडक्ट है that has worked very well for me in the past, and वो प्रोडक्ट है प्लम का 15% विटामिन सी सीरम that I've spoken about it so much in the past, and it has become a cult favorite now. And guys, अगर आपकी स्किन की कंसर्न डलनेस, टैन, डार्क स्पॉट्स है, सो प्लम इज हेयर टू मेक योर स्किन केयर रूटीन सिंपल बट इफेक्टिंग टू मेक यू अ ग्लो गेटर. सो गाइज, प्लम हैज इंट्रोड्यूस्ड देयर न्यू विटामिन सी रेंज एंड दे सेंट मी देयर होल रेंज टू ट्राई इट आउट. एंड दिस होल रेंज कंटेन्स विटामिन सी फेस वॉश विथ मैंडरिन, 1.5% विटामिन सी टोनर, 15% विटामिन सी सीरम एंड अ 3% विटामिन सी मॉइस्चराइजर. एंड गाइज, I love that just like the serum, all the other products also contain 15% ethyl ascorbic acid, काकडू प्लम एंड जापानीज मैंडरिन, जो आपकी स्किन को ब्राइटन करते हैं, डार्क स्पॉट्स को फेड करते हैं, ऑल्सो बूस्ट कोलाजन प्रोडक्शन. नाउ गाइज, लेट मी टेक यू थ्रू हाउ आई लाइक डूइंग माई रूटीन विद दिस रेंज. So I begin with cleansing with the vitamin C face wash. It is a foaming face wash जो मेरी skin को एक extra glow देता है without stripping my skin of any moisture. उसके बाद आई दे लाइक टू स्प्रेड्स द 1.5% विटामिन सी टोनर. ये अल्कोहल फ्री है और ये मेरी स्किन को इंस्टेंटली रिफ्रेश करता है. इट ऑल्सो प्रेप्स माई स्किन फॉर द नेक्स्ट स्टेप. टोनर के बाद आई ट्रीट माई स्किन विद द 15% विटामिन सी सीरम. मैं इस सीरम को अपनी स्किन पर बहुत जेंटली मसाज करती हूँ जिससे ये मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. एंड आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट दिस प्रोडक्ट इन डिटेल इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल गाइज, एंड यू विल नो हाउ मच दिस सीरम हैज़ हेल्प मी ब्रिंग द ग्लो बैक टू माई स्किन. And guys, I always like to lock in the goodness and hydration with a moisturizer, and this 3% vitamin C moisturizer does all that. इसमें आर्गन एंड आलमंड ऑयल है that additionally makes my skin baby soft without it feeling excessively greasy by regulating sebum production. And I love how it also helps calm any inflammation and works on uneven skin texture. Don't forget to top off everything with a sunscreen when doing this routine in that day. Also, don't forget to apply sunscreen on your ears and neck. Lastly, complete this whole skincare routine using a good moisturizing lip balm. So you guys can see, my skin is an example of how much of a glow getter I've become after using this range, and I would highly recommend you to try them out. And you guys can use my coupon code ALVC10 to get 10% off on all Plum products on their website. Next tip is shave your face once in a week for plump, smooth, bright and baby soft skin. So guys, shaving your face removes hair, debris, excess oil and dead skin cells. शेव करने से आपकी स्किन स्मूथ और ब्राइट होती है. इट इज़ अ जेंटल एक्सफोलिएटर एंड उसके बाद आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके पेनिट्रेशन को आपकी स्किन में भी इम्प्रूव करता है. ऑल्सो हेल्प्स योर मेकअप लुक फ्लॉलेस एंड स्मूथ ऑन योर स्किन. माई नेक्स्ट टिप इज़ टू ऑलवेज रिमूव योर मेकअप बिफोर बेड. यू गाइज कैन यूज़ माइसेलर वाटर और एनी ऑयल टू रिमूव योर मेकअप. ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्किन केयर में. हमेशा बेड पे जाने से पहले अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव करें जिससे आपकी स्किन डैमेज ना हो और आपको एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स ना हो. माई नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप्स आर फॉर हेयर केयर. ओके गाइज, सो वी ऑल नो कि समर में हमारे बाल कितने ज़्यादा ऑयली, फ्लैट एंड स्वेटी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, हीट एंड डस्ट. एंड हम हमारे बाल डेली वॉश भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बाल उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे. सो हेयर कम्स द ड्राई शैम्पू. सो ड्राई शैम्पूज आर बेस्ट इन समर्स टू एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑयल इन द स्कैल्प. अगर आप लोगों के पास ड्राई शैम्पू नहीं है, आप लोग बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं टू एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑयल फ्रॉम योर स्कैल्प. ड्राई शैम्पू यूज़ करने से आपके बाल फ्रेशली लुकिंग दिखेंगे और आपके बालों की जितनी भी चिपचिप और ऑयलीनेस है वो सब भी रिमूव हो जाएगी. नेक्स्ट टिप इज़ टू यूज़ अ हेयर सीरम फॉर स्मूथ टैंगल फ्री हेयर. एक अच्छा हेयर सीरम आपके बालों को स्मूथ, शाइनी और फ्रिज फ्री रखता है. यह आपके बालों को हीट डैमेज से, पोल्यूशन से एंड डस्ट से भी प्रोटेक्ट करता है. माई नेक्स्ट सेल्फ केयर टिप फॉर योर हेयर इज़ टू टाई योर हेयर अप इन अ पोनीटेल और अ बन इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर. And summer mein toh it is very important to protect your hair from heat and pollution. So guys, keeping your long hair open for a long time can damage your hair and also make them look bad. So use a good quality hairbrush or comb to ensure less breakage of hair. एंड अपने बालों को ऑयल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप योर हेयर नरिश्ड. सो गाइज, अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ऑयल योर हेयर ट्वाइस इन अ वीक. ऑयल करने से हमारे बालों को नेचुरल शाइन प्रोवाइड होती है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस डैंड्रफ. ऑयलिंग योर हेयर ऑल्सो प्रोवाइड डीप कंडीशनिंग टू योर स्कैल्प, प्रमोट्स फास्ट हेयर ग्रोथ. सो गाइज, मैं यहाँ पे अपना होम मेड आमला हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ. इस हेयर ऑयल का एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है एंड उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है. सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो. नेक्स्ट टिप इज टू वॉश योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक विद अ गुड क्वालिटी शैम्पू एंड अ माइल्ड कंडीशनर. मेक श्योर टू अवॉइड केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स क्योंकि वो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं. सो गाइस, करंटली मैं जो हेयर क्लेंजर यूज कर रही हूँ वो है प्योर सेंस ग्रेपफ्रूट हेयर क्लेंजर. कंडीशनर के लिए मैं अभी करंटली यूज कर रही हूँ गार्नियर फ्रूक्टिस हेयर फूड मास्क. ये 3-in-1 प्रोडक्ट है तो ये कंडीशनर की तरह भी वर्क करता है. My next tip is to use a hair mask once in a week. अगर आप लोगों को शाइनियर, सॉफ्ट हेयर चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ अ हेयर मास्क वंस इन अ वीक. ये आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ब्रेकेज और डैमेज को रिड्यूस करता है, फ्रिजीनेस को भी रिड्यूस करता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है. एक हेयर मास्क जो है वो एक डीप कंडीशनिंग हेयर ट्रीटमेंट होता है. एक हेयर मास्क में आपके डेली कंडीशनर से ज़्यादा नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं. यह आपके डल, डैमेज और ड्राई हेयर को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. सो गाइज, स्टार्ट यूजिंग अ गुड हेयर मास्क वंस इन अ वीक फॉर हेल्दी शाइनी हेयर. माई नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप इज़ फॉर बॉडी केयर. सो गाइज, शेव योर बॉडी वंस और ट्वाइस इन अ वीक टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड हेयर. अगर आप लोगों को शेव करना पसंद नहीं है, आप लोग वैक्स कर सकते हैं या आप लोग एपिलेटर भी यूज़ कर सकते हैं. आई यूजली प्रेफर टू शेव माई बॉडी एंड यूज़ अ गुड शार्प जेल टू स्मेल फ्रेश ऑल डे. मैं अभी करंटली नीविया का शावर जेल यूज़ कर रही हूँ। एंड डो नॉट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन गाइज टू मेक योर स्किन लुक स्मूथ, सॉफ्ट एंड प्लम। The body lotion I'm using currently is the Himalaya Aloe Vera and Cucumber body lotion. And this is a really good body lotion, especially in summers, because ये आपकी skin को एक cooling effect देता है। Next grooming tip is to take care of your hands and nails. So guys, उसके लिए आप कोई भी गुड क्वालिटी हैंड क्रीम यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों पे, या बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। अपने नेल्स को ट्रिम करते रहें रेगुलरली। एंड नेल पेंट के लिए आप कोई भी लाइट कलर या ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर नेल्स लुक हेल्दी एंड शाइनी, बिकॉज वाइल शेकिंग हैंड्स और सिंपली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन पीपल टेंड टू नोटिस योर नेल्स, सो ऑलवेज कीप योर हैंड हाइजीन इंटैक्ट। My next grooming tip for you guys is to use a very minimal and light makeup, specially in summer, क्योंकि हमारा makeup melt हो जाता है summer में, just to make sure कि आपकी skin अच्छी दिख रही है, fresh दिख रही है and glow कर रही है। उसके लिए आप अपना कोई भी लिक्विड फाउंडेशन अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं टू गेट दैट ग्लोई इफ़ेक्ट, या आप कोई भी बीबी या सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बीबी एंड सीसी क्रीम आर ग्रेट इन समर्स बिकॉज दे आर वेरी लाइट वेट ऑन स्किन एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपने कोई भी मेकअप अप्लाई किया है। दे मेक योर स्किन लुक फ्रेश एंड ग्लोइंग ऑल डे विदाउट लुकिंग केकी एंड पैची। Next tip for you guys is to fill your brows to make them look fuller. Don't overdo it, just to make sure कि वो natural दिखे. And guys, fuller brows will make your face look more attractive. उसके बाद curl your lashes and use a good mascara to make your eyes look bigger and wider. नेक्स्ट आप अपने ब्लश और लिप्स के लिए एक लिप टिंट या लिप और चीक क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ टू गिव दैट नेचुरल फ्लश्ड लुक। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है स्किन पे एंड इट विल मेक योर मेकअप लुक मोर नेचुरल। आई एम यूजिंग इट फॉर माई लिप्स एज वेल। मैं इसको अप्लाई करने के बाद अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से स्मज कर लूँगी टू मेक इट लुक मोर नेचुरल ऑन माई लिप्स। नेक्स्ट गाइस, मैं अपने आइज़ को एनहेंस करने के लिए एक बहुत ही लाइट लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ विंग्ड आई लाइनर बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट लुक मोर नेचुरल। सो गाइज, ये जो लाइट वेट, मिनिमल और नेचुरल लुकिंग मेकअप है, ये जस्ट आपकी ब्यूटी को एनहेंस करेगा एंड मेक यू लुक फ्रेश ऑल डे। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑलवेज स्मेल फ्रेश। सो रिमेंबर गाइज, आप लोग ऐसा बॉडी मिस्ट या परफ्यूम यूज़ करें जिसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा सटल और माइल्ड हो। मैं यहाँ पे एंगेज का परफ्यूम स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। आई ऑल्सो लव टू यूज़ इट बिहाइंड माई ईयर्स एंड नेक। माई नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप फॉर यू गाइज टू चूज़ अ आउटफिट दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। एक्सपेंसिव शूज़ या डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मेक श्योर आपका जो भी आउटफिट है वो कंफर्टेबल हो और क्लीन हो। Here I am wearing a simple black top and high waist trouser. इस आउटफिट के साथ मैंने कुछ सिंपल ज्वेलरी एंड शोल्डर बैग ऐड किया है टू मेक इट लुक मोर पॉलिश्ड। एंड गाइज, इस आउटफिट के साथ आप लोग एक सिंपल लो पोनी टेल कर सकते हैं, या मिड पोनी टेल कर सकते हैं, या एक लो बन भी कर सकते हैं। ऑल दीज हेयर स्टाइल्स विल लुक ग्रेट ऑन दिस आउटफिट। मेरे सेकंड आउटफिट के लिए मैंने एक्सेसरीज में यहाँ पे एक वॉच और ग्लासेस ऐड करे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल आउटफिट। आप इसे डेली वेयर में भी पहन सकते हैं एंड इट ऑल्सो लुक सुपर क्लासी। यहाँ पे मैंने जो आउटफिट वेयर किया है वो है एक सिंपल ब्लैक क्रॉप टॉप, उसके ऊपर एक लूज बैगी शर्ट एंड अ हाई वेस्ट जीन्स। Okay, my last tip for you guys is smile more often. You can win the hearts of people with your smile. Moreover, an attractive personality आपके self esteem को boost करने में help करती है और आपको confidence भी देती है. So that's it for today's video, guys. I hope this video will be helpful to you all. If you like this video, don't forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel if you are new here, and I'll see you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.